बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स। क्योंकि हम क्लास हेक्सापोडा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा था इससे जो बिलोंग करते हैं इंसेक्ट जो है क्लास हेक्सापोडा से बिलोंग करते हैं। तो आज हम उनके बारे में देखेंगे कि वो रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। तो हमें पता है कि इंसेक्ट जो है मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंसेक्ट जो होते हैं क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है विच आर फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो इट इज़ वन ऑफ द सक्सेस के वो टेस्ट एनवायरमेंट पर रहते हैं एंड हैव हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, उनके पास क्या होती है कि हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, तो ये भी उनकी क्या है, एक सक्सेस है। ठीक है, दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होती है, लेकिन टेस्टल एनवायरनमेंट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता टेस्टल एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेस्टल एनवायरनमेंट की बात करें तो हम देखते हैं टेम्परेचर, ठीक है ना, इसके अलावा ह्यूमिडिटी, इसके साथ साथ फूड सप्लाई। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। ठीक है ना, वेरी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है विद द सीजन। सीजन के साथ सारी चीजें क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एग जो होते हैं खतरा होता है, इट इज डेंजर दैट एग बिकम ड्राई। एग क्या हो सकते हैं, खुश्क हो सकते हैं। ठीक है ना, इसे इन्हें किस चीज की जरूरत होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। सो रिक्वायर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जरूरत है तो इसका मतलब है दे नीड कॉर्पोरेटरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि उन्हें किस चीज की जरूरत होती है, कॉर्पोरेटरी स्ट्रक्चर की क्या होती है, जरूरत होती है। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उन्हें किस चीज की जरूरत होगी, कॉर्पोरेटरी स्ट्रक्चर की क्या होगी, जरूरत होगी। इसके साथ साथ एक और बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दे नीड प्रॉपर टाइमिंग। ये प्रॉपर टाइमिंग क्या होती है, जरूरत होती है कि मेल और जो फीमेल है प्रॉपर टाइम के ऊपर ही क्या है, दूसरे के साथ आकर क्या कर सकें, बेटिंग का प्रोसेस क्या कर सकें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्हें क्या होती है, जरूरत पड़ती है इंटरनल रेगुलेशन की भी और एक्सटर्नल रेगुलेशन की भी। ठीक है ना, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें किसी की जरूरत पड़ती है रेगुलेशन की, और रेगुलेशन दो तरह के होते हैं, इंटरनल रेगुलेशन होती हैं और क्या होती हैं, एक्सटर्नल रेगुलेशन होती है। पहले हम देख लेते हैं इंटरनल रेगुलेशन। यहाँ जो इंटरनल रेगुलेशन होती है वो दो चीजों से होती है। ठीक है, इंटरनल रेगुलेशन दो चीजें कराती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है ना, क्योंकि अब ये टेस्टल एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, ह्यूमिडिटी भी वेरी कर रही है, और खुराक की भी क्या होती है, वेरी होती रहती है सीजन के साथ साथ। इसलिए इन्हें क्या पड़ती है, रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, इंटरनल रेगुलेशन होती है और क्या होती है, एक्सटर्नल रेगुलेशन। इंटरनल रेगुलेशन में क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं रिप्रोडक्टिव के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को, और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो खुद भी क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेशन काज करा रहे होते हैं। दूसरी जो इंटरनल रेगुलेशन के साथ साथ दूसरी जो रेगुलेशन होती है वो कौन सी होती है, एक्सटर्नल रेगुलेशंस। अब जो एक्सटर्नल रेगुलेशन होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है ना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड।
क्वांटिटी ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मॉस्किटो की, फीमेल मॉस्किटो की। अगर क्वालिटी के लिहाज से बात कर रहे हैं ठीक है ना खुराक की, तो फीमेल मॉस्किटो की बात करते हैं तो इनके अंदर एग मैच्योर तब कब होते हैं, व्हेन इट टेक द ब्लड मील, व्हेन इट टेक ब्लड मील एग बिकम मैच्योर, एग मैच्योर्ड। ठीक है, जब फीमेल क्या करती है ब्लड मील लेती है ठीक है ना मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो ब्लड मील लेती है तो उसके अंदर जो एग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉरन क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। अगर क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी ऑफ फूड की, तो क्वांटिटी ऑफ फूड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एग प्रोडक्शन के, मतलब जितना ज्यादा खुराक क्या होगी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा एग क्या होंगे प्रोड्यूस हो रहे। तो क्वांटिटी ऑफ फूड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द प्रोडक्शन ऑफ एग्स। ठीक है, तो ये क्या है, दो तरह की रेगुलेशन थी, इंटरनल रेगुलेशन एंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए होती है और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के जरिए होती है। इस अंदर रेगुलेशन के लिए हमने बात किया है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड की। अगर क्वालिटी ऑफ फूड करें तो इसकी हमने एग्जांपल दिया फीमेल मॉस्किटो की, तो उसके अंदर जो एग होते हैं वो कब मैच्योर होंगे, जब वो क्या करती है ब्लड को एज अ मील के तौर पर लेती है। ठीक है, तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ फूड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द प्रोडक्शन ऑफ एग, मतलब जितना ज्यादा खुराक वो ले रहे होंगे ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट्स उतने ज्यादा उनके अंदर क्या होगी, एग की क्या हो रही होगी, एग की प्रोडक्शन हो रही होगी। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें आगे, तो इनके अंदर दो तरह की क्या पाई जाती है, फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी क्या होती है इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन है दो तरह की होती है, पहले हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन को, इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। अभी जो इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन है किनके अंदर पाई जाती है, स्प्रिंग टेल इंसेक्ट्स के अंदर, स्प्रिंग टेल इंसेक्ट्स। इसके साथ साथ और ये किसके अंदर मौजूद होती है, सिल्वर फिश के अंदर, सिल्वर फिश। ठीक है, ये जो सिल्वर फिश है ये भी क्या होती है, एक इंसेक्ट होती है। ठीक है ना, तो स्प्रिंग टेल इंसेक्ट के अंदर और सिल्वर फिश के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट कैसे होगा, जो मेल होते हैं हम क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, मेल डिपॉजिट द स्पर्मेटोफोर्स, मेल डिपॉजिट स्पर्मेटोफोर्स। मेल जो क्या कर देते हैं स्पर्मेटोफोर्स क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बाद फीमेल क्या करती है, लेटर इनको क्या कर देते हैं, इनटेक कर देते हैं, फीमेल इनटेक देम लेटर। कुछ देर के बाद फीमेल आ रहा हूँ क्या करती है, ले लेती है। स्पर्मेटोफोर्स क्या होते हैं, पैकेट ऑफ स्पर्म्स होते हैं, जो मेल क्या करते हैं उन्हें डिपॉजिट कर देते हैं, उसकी कुछ देर बाद फीमेल जो आती है उनको क्या कर देती है, इनटेक कर लेती है। जैसे ये जो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन है ये कौन सा होता है, इनडायरेक्ट होता है, जबकि बाकी जितनी भी इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है। अब उसके अंदर क्या होती है, वो क्या करते हैं उन मेल को क्या करते हैं या फीमेल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होती है, मतलब वो जो लोकेट करते हैं उन मेट अपने मेट को जो होता है उनका उनको लोकेट करते हैं जिनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होती है ज्यादा से ज्यादा होती है, उन्हें क्या करते हैं वो लोकेट करते हैं और क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अब उनको लोकेट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए इन्हें किन की जरूरत पड़ती है, विजुअल टेक्स्ट की, दे यूज देयर विजुअल प्लस ऑडिटरी सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ऑडिटरी सेंसेस। ठीक है ना, ये अपने विजुअल और ऑडिटरी सेंस को भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ फेरोमोन्स, फेरोमोन्स का भी क्या होता है, रोल होता है। ठीक है ना, फेरोमोन्स भी क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं किस चीज के लिए, सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना, फेरोमोन्स का इस्तेमाल करते हैं और किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, विजुअल और ऑडिटरी सेंस को इस्तेमाल करके मेल अपना मेल जो होता है या मेट होता है उसे क्या करते हैं, अपनी तरफ क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अट्रैक्शन के बाद जो होता है इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, टैक्टाइल एंटीना मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होता है, टैक्टाइल स्ट्रक्चर होते हैं एंटीना के ऊपर, टैक्टाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द एंटीना। ये
एंटीना क्या होते हैं, अपनडेटेड होते हैं, तो इनको टैक्टाइल स्ट्रक्चर या टैक्टाइल सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो जैसे ही एक दूसरे से टच होते हैं तो ये क्या होते हैं, उस पोजीशन में आ जाते हैं जहां पर इन्होंने क्या करनी होती है, मेटिंग करनी होती है। उसके बाद जो मेल होता है वो क्या करता है, कपोरेटरी क्या होती है, उनके अंदर अपनडेटेड होते हैं, मेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, कपोरेटरी अपनडेटेड इन मेल, कपोरेटरी अपनडेटेड। फीमेल के अंदर जो स्पर्म रिसेप्टेकल होती है उसके अंदर क्या कर देता है, स्पर्म क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, किसके जरिए, कपोलेटरी अपनडेजेस के जरिए फीमेल के अंदर क्या कर देता है, स्पर्म को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, वो फीमेल जो है स्पर्म को कहां पर रिसीव करती है, स्पर्म रिसेप्टेकल के अंदर। और ये जो स्पर्म रिसेप्टेकल है सर ये क्या होती है, आउट पाउचिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये क्या होती है, आउट पाउचिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फर्टिलाइजेशन होती है, जब एग फर्टिलाइज हो जाते हैं फिर वो एग को क्या करती है, ले करती है। ठीक है, वहां पर ले करती है जहां पर क्या होती है, खुराक ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मौजूद हो, उनके लार्वी के लिए खुराक क्या हो, ज्यादा से ज्यादा मौजूद हो, वहां पर अपने एग्स को क्या कर देती है, फीमेल जो है ले कर देती है। कुछ जो फीमेल होती है वो क्या होती है, ओविपॉजिटर होती है, कुछ फीमेल्स क्या होती है, ओविपॉजिटर। अब ओविपॉजिटर का क्या मतलब होता है, ये अपने एग्स को क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है सबस्ट्रेट के अंदर। ठीक है, ओविपॉजिटर का मतलब क्या होता है, अपने एग्स को जो होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं इनटू और ऑन द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं या सबस्ट्रेट के ऊपर क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो उन फीमेल्स को क्या बोलते हैं, उन फीमेल इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं, ओविपॉजिटर इंसेक्ट्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, ओविपॉजिटर, जो अपने एग्स को क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है इनटू या ऑन द सबस्ट्रेट, उन्हें क्या कहा जाता है, ओविपॉजिटर इंसेक्ट्स कहा जाता है। दोबारा देखें, अगर हम इनके अंदर फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमने कहा इनके अंदर दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, एक होती है डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, दूसरी कौन सी होती है, इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन है वो किसके अंदर पाई जाती है, स्प्रिंग टेल्स के अंदर और सिल्वर फिश के अंदर। ठीक है, उनके जो मेल्स होते हैं अपने एग्स को क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, उसके बाद फीमेल क्या आते हैं, उनको आकर ले लेते हैं, टेक कर लेती है। जबकि जो दूसरे सेट्स हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। अब डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि वो पहले तो क्या करते हैं, अपने मेट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, लोकेट करते हैं और रिकॉग्नाइज उन मेल को करते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम क्या हो, पोटेंशियल हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करने के लिए, मेटिंग करने के लिए। इसके लिए वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, अपने फेरामोन्स का इस्तेमाल करते हैं, विजुअल और टैक्टाइल सेंसेस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ जो ऑडिटरी सेंसेस है उनका भी क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने इनके अंदर क्या होता है, टैक्टाइल जो सेंसरी स्ट्रक्चर होता है एंटीना के ऊपर वो टच करते हैं दूसरे के साथ, ये उस पोजीशन में आ जाता है, मेल और फीमेल दोनों किस पोजीशन में आ जाते हैं, मेटिंग वाली पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद जो मेल होता है क्या करता है, स्पर्म को इंजेक्ट करता है किसके जरिए, कपोलेटरी अपनडेज के जरिए। ठीक है ना, तो उनको ट्रांसफर करता है, फीमेल उन्हें रिसीव करते हैं स्पर्म को किसके अंदर, स्पर्म रिसेप्टेकल के अंदर। स्पर्म रिसेप्टेकल जो है वो क्या होते हैं, एक आउट पाउचिंग होती है किस चीज की, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्पर्म रिसेप्टेकल के अंदर ही, तो फीमेल फिर क्या करते हैं, एग को ले करती हैं। वो जो एग्स होते हैं कहाँ पर ले करती है, जहां पर क्या उनके लार्वा के लिए मैक्सिमम फूड सप्लाई क्या हो, मौजूद हो। कुछ जो फीमेल्स होते हैं क्या होते हैं, ओविपॉजिटर होती हैं, जो अपने एग्स को क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं सबस्ट्रेट के अंदर या उसके ऊपर क्या कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये क्या था, उनके अंदर रिप्रोडक्शन थी। नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसके अंदर डिवेलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फीडबैक दे दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।